नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। भक्तों, आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूँ, चमत्कारी उपाय, जो कि आपको धनवान बना देगा। जी हाँ भक्तों, धन से जुड़ी समस्या आपकी हो जाएगी दूर। करें यह उपाय रविवार और बुधवार के दिन। यह उपाय आप लोगों को करना है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जब ही आप लोगों के समझ आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचा और आप लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो बिल्कुल भी स्कीप मत करिएगा, और जब भी आप उपाय करें तो सामने वाले का नाम और अपना नाम ज़रूर लिख दें कि हाँ गुरु जी, मैं आप काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ताकि मुझे पता होना चाहिए। आप लोगों का ख्याल रखूँगा। ये जब उपाय करेंगे तो इसके लिए भी अपना नाम लिख दीजिएगा कि मेरा नाम ये है और गुरुजी मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। बुधवार के दिन और रविवार के दिन करना है, किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए चलिए मैं आगे बढ़ा करके बता दे रहा हूँ वीडियो को क्या करना है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा। इसके लिए एक नींबू चाहिए और थोड़ा सा सिंदूर चाहिए और 8 लौंग चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को दिखा दें, 8 लौंग, नींबू और थोड़ा सा सिंदूर, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में। अब क्या करना है आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। ऐसे पहले से इसमें छेद कर लीजिएगा नींबू में, ठीक है, किसी खील से पहले आप लोगों को इसमें छेद कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों को लगाना है, ठीक है। मैंने पहले ही खील से इसमें छेद कर लिया था नींबू में, इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, जब भी वीडियो में फोकस करेंगे जब भी आप लोगों को समझ आएगा और आप लोग इसे कर पाएंगे। छोटे छोटे उपाय करके आप बड़े बड़े काम को आसानी के साथ सुलझा सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस तरीके से करना है। इसके साथ ही आप लोगों को थोड़ा सा सिंदूर डाल देना है, ठीक है। सिंदूर, चंदन, एक ही बात है, कोई भी चीज़ डाल दीजिएगा। अब बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं है सिंदूर होता क्या है, गुरु जी सिंदूर क्या है, तो आप लोगों को बता दूँ, महिलाएँ मांग भरती हैं उसको बोलते हैं सिंदूर, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद आपको क्या करना है, रविवार को करें या बुधवार को, किसी भी टाइम करना है। उसी टाइम आप लोगों को क्या करना है, जो ये नींबू है, आप लोगों को ऐसे लपेट करके, किसी भी पेपर में आपको लपेट करके, ठीक है, लपेट करके, ताकि कोई देखे ना। नींबू पर नज़र किसी की नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ आप ही की नज़र होनी चाहिए, ठीक है। जा कर के कहीं सुनसान जगह पर, जहाँ कोई ज़्यादा आता ना जाता हो, आपको देख ना सके। मेरा कहने का मतलब है, आते जाने से कोई मतलब नहीं है, उस टाइम कोई आपको देख ना सके। सुनसान जगह पे जा कर के थोड़ी सी मिट्टी निकालनी है ज़मीन की, और उसमें इसको दबा देना है। और जब दबाना है तो पेपर या पन्नी जिसमें भी लपटा हो उसको अलग कर देना, खाली नींबू, लौंग और सिंदूर होना चाहिए। तो मिट्टी में उसको दबा देना है, ठीक है। ऊपर से एक पत्थर रख देना है, छोटा सा पत्थर रख दीजिएगा। वापस चले आइएगा, मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, वापस चले आइएगा। तो वापस आने के बाद जब घर के अंदर घुसेंगे तो आप लोग पहले मुंह हाथ धो करके घुसेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट करिए मेरा भी और मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम भक्तो, राम राम।